नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। एशिया कप 2023 का आगाज होने में अब बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के बाबर आजम को सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ट्रोल किया जा रहा है। इस बार वजह है उनकी बल्लेबाजी। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर बाबर आजम बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। जी हां, 3 गेंदों का सामना किया बाबर आजम ने, लेकिन एक भी रन नहीं बनाया और वो पवेलियन लौट गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बाबर आजम की आलोचना की जा रही है। आपको बता दें, इस वनडे मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। मात्र 7 रन के स्कोर पर पाकिस्तान के 2 विकेट चले गए। बात करें अगर बाबर आजम की, तो 3 गेंदों का सामना करते हुए बाबर आजम ने एक भी रन नहीं बनाया और वो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। वहीं पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते हुए फखर जमान, जो कि पाकिस्तान टीम के एक इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हैं, वो भी 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन ही बना पाए और उसके बाद फखर जमान भी पवेलियन लौट गए, जिसके बाद पाकिस्तान की जो बल्लेबाजी है उसको इमामुल हक ने संभाला और शादाब खान भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी स्टेबल जरूर नजर आ रही है, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में श्रीलंका प्रीमियर लीग यानी कि लंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम ने एक शानदार शतक लगाया था, लेकिन जब वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं वहां पर उनका बल्ला खामोश हो रहा है, जिस वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। आपको बता दें कि एशिया कप का आगाज भी होने वाला है, लेकिन उससे पहले बाबर आजम का 0 पर आउट हो जाना है सोशल मीडिया पर एक मुद्दा बन रहा है, और सोशल मीडिया पर एक लड़की की तस्वीर है वो वायरल हो रही है। दरअसल जब बाबर आजम 0 पर आउट हो गए, उसके बाद वहां पर पाकिस्तान की एक फैन मौजूद थी, जिसने सर पर अपना हाथ रख लिया, अपने माथे पर हाथ रख लिया, और उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। फैंस निराश हैं बाबर आजम के लिए कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए जब खेल रहे हैं तो वो 0 क्यों होते जा रहे हैं। फिलहाल बाबर आजम के लिए आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि खेल जगत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपको यहीं पर मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया।